यहाँ पर ये जो सांप है ये सबको मार रहा होता है और ये एक लड़के को भी काटने वाला होता है और वो चिल्लाने लग जाता है। तभी एक लड़का इसका मुंह पकड़कर खड़े हो जाता है ताकि सांप उनको सुन ना पाए और वो सबको मुंह बंद करने के लिए कहता है। वहाँ पर सब लोग शांत हो जाते हैं और शांति से सांप को देख रहे होते हैं घूर के। सांप भी उन्हीं को देख रहा होता है लेकिन वो सुन नहीं पाता तो वो कुछ भी नहीं करता। तो ये सांप भी कुछ नहीं करता और वहां से कुंडली मारकर वापस जाने लग जाता है। यहाँ पर ये चारों लोग सुरक्षित है लेकिन जो इनका दोस्त पीछे सो रहा होता है वो अचानक से जग जाता है और कुछ बोलने लग जाता है। जैसे कि एक लड़का उसके पास दौड़ के जाता है और उसका मुंह बंद कर देता है लेकिन सांप अब सुन चुका होता है और वो दौड़ के इनके पास आ रहा होता है। सांप समझ जाता है कि यहाँ पर लोग है और ये सब देखकर इन लोग की फट जाती है। सांप बहुत तेजी में नीचे उतरने लग जाता है। तभी वहां से एक लड़का चिल्लाता है यहाँ से भागो। सांप भी बहुत तेजी में नीचे उतरता है और इनके पीछे बहुत तेजी में भागने लग जाता है। ये लोग भी काफी दूर तक भागते हैं सांप से बचने के लिए लेकिन सांप अभी भी इनके पीछे होता है। लड़का वहीं पर गिर जाता है। तभी ये लोग रुकते हैं और उस लड़के को उठाते हैं सांप से बचाने के लिए लेकिन सांप पीछे ही होता है। एक लड़का अपनी तलवार निकालता है और वो सोचता है कि वो इतने बड़े सांप को मार देगा लेकिन सांप उसको वहां से उठाकर फेंक देता है। वो फिर भी सांप से लड़ने की कोशिश करता है।